हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मशरूम मसाला की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट के रखा है, और थोड़ी सी अदरक, 8-10 लहसुन की कलियाँ, एक हरी मिर्च, 8-10 काजू। इन सारे मसालों को हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में तेल गरम कर दिया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे। लहसुन थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। इन सारे मसालों को हम लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे, वरना सारे मसाले जल जाएंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएंगे, तब तक हम इसको लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। फ्राई किए हुए मसालों को अब हम एक जार में डाल के स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 8-10 काजू। काजू को मिनी मसालों के साथ जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमारा पेस्ट एकदम से बन के रेडी है। अब हम सारे मशरूम को इस तरह से कट कर लेंगे। अगर मशरूम बड़े साइज के हो तो आप इसमें 4 पीसेस भी बना सकते हैं। सारे मशरूम मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए मशरूम को हम एक बाउल में डाल देंगे। मैरिनेशन प्रोसेस के लिए हम इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 3 चम्मच हम इसमें मटन मसाला डाल देंगे। इससे मशरूम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। ये मसाला पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसालों को अब हम अच्छे से मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने इसको 15 मिनट ढक के रख दिया है। अब हम एक कुकर में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। मैंने 2 टेबल स्पून तेल लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। तेज पत्ता, करी पत्ता, लाल मिर्च, लहसुन, जीरा, लौंग, इलायची और दालचीनी। हम सारे मसालों को इसमें एक के बाद डाल देंगे। सबसे पहले हम लहसुन डाल देंगे। अब इसी तरह सारे मसालों को इसमें डाल के कुछ सेकंड के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये मसाले फ्राई हो जाएंगे, हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इसको मिक्स करके अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मशरूम हम इसमें डाल देंगे। हम इसको 1 मिनट तेल में फ्राई कर लेंगे। इसको धीरे धीरे चलाते रहें। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी ली है, इसको हाथों से क्रश करते हुए इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको कवर करके 1 सीटी ले लेंगे। देखिए, हमारा मशरूम एकदम से बनके रेडी हो गया है।
आप देख सकते हैं हमारा मशरूम मसाला बनके रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।